पूजा पाठ, कर्म कांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में, जहां पर आप अपने ज्ञानार्जन के लिए इस समय नक्षत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। नक्षत्रों के क्रम में आज हम आर्द्रा नक्षत्र के महत्व को लेकर के आए हैं और यह क्रम में छठवां नक्षत्र है। इसके स्वामी राहु होते हैं और देवता रुद्र यानी भगवान शिव होते हैं। यह तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र है, क्रूर जाति का और ऊर्ध्वमुख नक्षत्र है। इसका मुख ऊपर की ओर है। इसकी आकृति एक तारे वाली रत्न मणि या एक आंसू के समान होती है। इसका जो वृक्ष है वह आम है। आम के वृक्ष से और बेल के वृक्ष से इसका हम आकलन करते हैं। कई जगह पाकड़ का वृक्ष भी लेख में पढ़ने के लिए आया है। इसके चारों ओर इसके चार चरण होते हैं और उसके स्वामी बुध होते हैं। इन चारों चरणों के स्वामी जो बुध हैं तो इनको मिथुन राशि की संज्ञा दी गई है। कु, घा, अंगा और छा, इन चार वर्णों के अनुसार इनका स्वामित्व बुध के लिए दिया गया है। तो कु, घा, अंगा और छा, इस प्रकार से इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक हैं उन पर बुध और राहु दोनों का प्रभाव रहता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के जन्म के समय राहु की महादशा प्राप्त होती है। राहु भी मिथुन राशि में ही उच्च के होते हैं, सो इस नक्षत्र के कारकत्व में भी राहु का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। जो दमंग टाइप के लोग होते हैं, समाज में बहुत हेकड़ी रखने वाले होते हैं और दबाव से अपना काम निकलाने वाले होते हैं, उग्र वचन बोलने वाले, कठोर वचन बोलने वाले और चतुर, चालाक, ठग, धूर्त और आपस में फूट डालने वाले, ऐसे कुशल, तिलिस्मी, जादूगर, तंत्र क्रिया करने वाले, सम्मोहन और भूत प्रेत साधना में जो शातिर लोग होते हैं, ऐसे इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं स्त्री व्यवसायी, भूसे और छिलके के अनाज वाले का व्यापार करने वाले, हथियार का व्यापार करने वाले, सैनिक और योद्धाओं से संबंधित जो ज्ञान देने वाले, अन्याय का विरोध करने वाले, किलेबंदी, घेराबंदी करने वाले और संधि करके समझौता करने वाले, ऐसे व्यक्ति और इस तरह के जो व्यापार हैं वो इसमें शामिल हैं। आर्द्रा नक्षत्र का अर्थ ही नम अर्थात गीला है, आर्द्र है। सो पानी और पेय पदार्थ जैसे रस, जूस, शरबत, शराब, अर्क आदि वस्तुओं से संबंधित जो व्यापार हैं वो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी होते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक हैं उनका स्वभाव कैसा होगा। ऐसे जातक बुध और राहु के प्रभाव से अत्यंत चालाक और चतुर होते हैं, अत्यंत कूटनीतिक होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं। चूँकि इस नक्षत्र के स्वामी संहारक भगवान रुद्र हैं, सो ऐसे लोगों में आक्रामकता दिखाई देती है और प्रहार क्षमता स्वाभाविक रूप से होती है। बुध और राहु अशुभ फल दे रहे हों तो ऐसे लोग हमेशा स्वयं को सही मानने वाले और अहंकार की हद तक स्वाभिमानी होते हैं। स्त्रियों के प्रति भी आदर्शशील नहीं कहा जा सकता उनको, लेकिन स्वार्थ के चलते मान दे भी देते हैं। यदि उनका कोई निजी स्वार्थ हो तो आपको मान सम्मान दे करके अपना काम आपसे निकाल सकते हैं। दुनिया भर के अनुशासनहीन लोगों को देखकर कुढ़ते रहते हैं। बुलंद और विद्रोही आवाज वाले इनकी पहचान होती है। अगर इस नक्षत्र पर शुभ प्रभाव और अशुभ ग्रहों के विशेष तौर पर मंगल का प्रभाव हो जाए तो पर स्त्री और पर धन को यह
हड़पने में देर नहीं लगाते। ये लोग जो एहसानमंद नहीं होते, ये लोग सांस उखड़ने और सूखी खांसी से भी अधिकतर पीड़ित हो सकते हैं, इनको दमा जैसे रोग हो सकते हैं। इनके सकारात्मक गुणों की बात की जाए तो ये लोग हंसमुख, चतुर, चालाक और जिम्मेदार, समझदार और अनुसंधान करके किसी वस्तु पर खोज करने वाले होते हैं। इनका स्वभाव अत्यंत तेज होता है, तीक्ष्ण बुद्धि होती है, धीरज और लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहने में ये लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। ऐसे लोग कर्तव्यनिष्ठ, कठोर परिश्रमी और सौंपे गए कार्य को पूरी जिम्मेदारी से निभाने वाले होते हैं। बुध और राहु के प्रभाव से ये लोग अत्यंत जीनियस होते हैं और शोध करते रहने से इनको विविध विषयों का विशेषज्ञ माना जाने लगता है। ये लोग अत्यंत पराक्रमी और हरफल मौला भी होते हैं। ये लोग सबसे हंसी मजाक करने वाले, बतूनी और शालीनता से भी पेश आते हैं। राहु के चलते इनकी जो भाषा है, जो रफ्तार है, वह बहुत तेज होती है, जिससे ये दूसरों का मन अपनी बुद्धि के द्वारा तुरंत पढ़ लेते हैं। आयु का जो इनके आकलन है वह 32 से लेकर 42 वर्ष के समय में इनके लिए बहुत शुभ होता है। इन लोगों को अपने क्रोध और अभिमान पर विशेष तौर पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यदि यह क्रोध और अपने स्वाभिमान पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो बहुत जगह इनको लाभ की जगह हानि होने लगती है। ये लोग तकनीकी कार्य, शोध कार्य, अनुसंधान, दवाई का निर्माण, संचार संबंधी कार्य, मनोरोग और विष संबंधित चिकित्सा, बुद्धि से जुड़े कार्य, गणित और भौतिकी तथा फोटोग्राफी में ये विशेषज्ञ हो सकते हैं। ज्ञान और विज्ञान में ये चतुर होते हैं, इसलिए राहु और बुध के प्रभाव के कारण इनका बुद्धि और विवेक बहुत तीक्ष्ण होता है और अपने जीवन में एक सफल और जिम्मेदार व्यक्ति यह माने जाते हैं। ऐसा इस आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव है और आज हमने इस नक्षत्र के प्रभाव के विषय में आपको विस्तार से बताया। आज के लिए बस इतना ही, अगले भाग में पुनः आपको अगले नक्षत्र का प्रभाव लेकर के मिलते हैं। नमस्कार।